एसबीआई की तरफ से यहाँ पर एक नया फीचर लाया गया था योनो एसबीआई में, नॉमिनी को ऐड या फिर हम चेंज कर सकते हैं अब ऑनलाइन घर बैठे। लेकिन जब यहाँ पर यहाँ से नॉमिनी को ऐड या फिर चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो हमको यहाँ पर एक एरर देखने को मिल जाता है, अनसक्सेसफुल। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं वी आर अनेबल टू अपडेट द नॉमिनी डिटेल। यहाँ पर यह बोल रहा है कि अभी आप नॉमिनी को चेंज या फिर अपडेट नहीं कर सकते। तो अब यह एरर क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन कहां पर है, वही इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो जैसे आप यहां पर सबसे पहले योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद यहां पर हम अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो भी अकाउंट है हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप अकाउंट को फ्लैट करेंगे यहाँ पर आपको नीचे एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, व्यू नॉमिनी डिटेल। अगर पहले से कोई नॉमिनी ऐड होगा तो यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएंगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे हमारे अकाउंट में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। नॉमिनी ऐड करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए सिंपली एडिट पर क्लिक करते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको नॉमिनी ऐड करने वाला ऑप्शन आ चुका है, तो जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं सिंपली उसी का नाम, और यहाँ पर आपको रिलेशन जो भी हो यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ हो नॉमिनी का वह यहाँ पर आपको एंटर करना है, और यहाँ पर एड्रेस एंटर करके कन्फर्म कर देना। तो जैसे ही आप नॉमिनी के कंप्लीट डिटेल एंटर करेंगे उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने एक ओके का पॉपअप आएगा, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहां पर आपको एंटर कर देना है। तो ओटीपी आ चुका है, हम यहां पर एंटर कर चुके हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहां पर सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सबमिट किया आप देख सकते हैं अनसक्सेसफुल, हमको यही एरर देखने को मिल रहा है जब भी हम योनो एसबीआई से नॉमिनी को ऐड या फिर चेंज करने के लिए जाएँ। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी हम अब नॉमिनी कैसे ऐड करें, तो यह यहाँ पर अभी नया फीचर आया है। तो अभी यहाँ पर यह फीचर वर्क ही नहीं कर रहा सही से, यानी बहुत से यूजर्स का यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं हो रहा, आपको यह एरर आता रहेगा आप कितनी बार ट्राई कर लें। अब यहाँ पर जो दूसरा तरीका है, यानी आप एसबीआई का जो नेट बैंकिंग है वहाँ से नॉमिनी को ऐड या फिर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी एसबीआई की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक आई बटन पर दे देंगे देख अभी लेना। तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर एसबीआई की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। इसमें लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको थ्री डॉट देखने को मिल जाते हैं, तो हम इसी थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नो ऑनलाइन नॉमिनेशन, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। अब अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो रजिस्टर नॉमिनी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर हमको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो आप देख सकते हैं नॉमिनेशन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस अकाउंट, टू चेंज नॉमिनेशन प्लीज कैंसिल योर करेंट नॉमिनी। अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि आपके अकाउंट में पहले से नॉमिनी ऐड है, फिर आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। और जब हमने यहाँ पर योनो एसबीआई में देखा तो हमको यहाँ पर कोई भी नॉमिनी देखने को नहीं मिल रहा। एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर कोई भी नॉमिनी देखने को नहीं मिल रहा योनो एसबीआई ऐप में। अब यह यहाँ पर नया फीचर आया इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा हो, और जब चेंज या ऐड करने के लिए जाए तो भी अनसक्सेस का एरर आता है। तो जो आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग में जो आपको नॉमिनेशन का जो रिजल्ट है वह देखने को मिल रहा है यह एकदम ठीक है, यानी आपके अकाउंट में पहले से नॉमिनी ऐड है। अब अगर आप नॉमिनी को हटाकर नया नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहले कैंसिल नॉमिनेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका नॉमिनी कैंसिल हो जाएगा पुराना वाला, उसके बाद रजिस्टर नॉमिनी करेंगे तो आप नया नॉमिनी ऐड कर सकती हैं यहाँ।